बर्नौलीज की एप्लीकेशन में सबसे पहली एप्लीकेशन है लिफ्ट ऑफ एरोप्लेन या एयर फॉयल। बर्नौलीज की एप्लीकेशन में सबसे पहली चीज़, जब एक एरोप्लेन बनता है तो उसकी जो शेप है वो ऐसी बनाई जाती है, या जो बॉडी को उड़ाना है उसको एयर फॉयल बोलते हैं, उसकी शेप ऐसी बनाई जाती है। मतलब प्लेन का फ्लोर का एरिया तो बड़ा रखा जाता है, विंग्स भी दूर तक हैं, और जो छत है वो ऐसी है, डिब्बा नहीं है, नीचे फ्लोर और छत का एरिया बराबर नहीं है, छत ऐसी है, देख रहे हो ये रही, हाँ। तो मतलब ऊपर का जानबूझ के एरिया छोटा रखा जाता है, फ्लोर का एरिया बड़ा रखा जाता है, और प्लेन को उड़ना उड़ना कुछ नहीं है, प्लेन को सिर्फ बहुत तेज भागना है बस। उड़ तो वो अपने आप ही जाएगा उसकी शेप की वजह से। कैसे, ये देखो, मान लो आपका ये प्लेन या कोई भी इस टाइप की बॉडी आगे की तरफ मूव कर रही है विद द स्पीड ऑफ लेट अस सपोज 200 किलोमीटर पर आर, 300, 400, 500, 600, 700, 800। आपका एरोप्लेन भी 800-850 की स्पीड पे आराम से चलता है ऊपर। अब क्या हुआ, प्लेन रनवे पे भागा, अब देखो क्या हुआ, एयर की स्ट्रीम लाइन्स इसे क्रॉस करेंगी, हवा क्रॉस करेगी। हवा कैसे क्रॉस करेगी, ये देखो, ये एयर की स्ट्रीम लाइन्स हैं, ये इसे क्या करेंगी, क्रॉस करेंगी कुछ इस तरीके से, ऊपर से भी और नीचे से भी। ऊपर से शेप ध्यान से देखो थोड़ी टाइट है, ऊपर से हमने एरिया को थोड़ा क्या कर रखा है, कम, ऊपर का एरिया कम है, नीचे का फ्लोर का एरिया ज्यादा है। अगर ऊपर का एरिया कम है तो उस केस में यहां पे वेलोसिटी की वैल्यू काफी ज्यादा हो जाएगी, कम जगह है ना, कम जगह में वेलोसिटी तेज हो जाती है, और नीचे एरिया बड़ा होने की वजह से वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम। एरिया इंटू वेलोसिटी जो है हमेशा कांस्टेंट है, वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकंड हवा की बराबर रहेगी, चाहे ऊपर चाहे नीचे, हवा तो वही है। अब बर्नौलीज थ्योरम के अकॉर्डिंगली पी बाय रो प्लस जी इंटू एच प्लस वी स्क्वायर बाय टू, नीचे पी बाय रो प्लस जी इंटू एच प्लस वी स्क्वायर बाय टू, तीनों एनर्जीज का सम इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट। ये नहीं चेंज होएगा। हाँ, ये हो सकता है कि नीचे की प्रेशर की वैल्यू ज़्यादा हो तो काइनेटिक कम हो जाए, ये हो सकता है। अब देखो हुआ क्या, इस पूरे प्रोसेस में आप पोटेंशियल को कंपेयर नहीं करेंगे, रीज़न एरोप्लेन देखो ना बहुत हाइट पे है, तो इसका फ्लोर MGH है और छत भी MGH प्लस एच डैश है, उस एच डैश नेग्लिजिबल है, कोई नाम आता है इसमें, और वैसे भी प्रेशर और वेलोसिटी इतनी ज़बरदस्त वैल्यूज हैं, थाउजेंड्स में है, तो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज नेग्लिजिबल है। हम जितने भी न्यूमेरिकल बर्नौलीज में करते हैं, आप ध्यान से देखना, आज हम करने वाले हैं अभी बर्नौलीज में जितने भी न्यूमेरिकल्स आएंगे, सब में पोटेंशियल एनर्जी को कंसिडर नहीं किया जाता, निगलेक्टेड है। वेलोसिटी बहुत बड़ी होती है, प्रेशर डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, तो हम पोटेंशियल को कंसिडर नहीं करते। और कुछ ये भी रीज़न है कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, या कोई भी किताब आपको दिखाना चाहती है, कि कैसे सिर्फ वेलोसिटी चेंज करके प्रेशर में ज़बरदस्त चेंज लाया जा सकता है। तो हुआ क्या, नीचे वाले एरिया में वेलोसिटी घट गई, तो नीचे वाले एरिया में एयर की काइनेटिक एनर्जी घट गई, लेकिन टोटल एनर्जी कांस्टेंट है, प्रेशर एनर्जी बढ़ गई, नीचे फ्लोर एरिया पे हवा का प्रेशर बढ़ गया, ऊपर के एरिया में, ऊपर के हिस्से में वेलोसिटी क्या हो गई, बढ़ गई, वेलोसिटी बढ़ने से काइनेटिक बढ़ गई, प्रेशर की एनर्जी क्या हो गई, घट गई। अब सोचो क्या हुआ, सिर्फ शेप चेंज करने से नीचे आपका प्रेशर बढ़ा रहा है, ऊपर प्रेशर कम है, तो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो गया, नीचे का प्रेशर बड़ा है ऊपर का छोटा है, तो क्या डेवलप हो गया, ऊपर की तरफ प्रेशर डिफरेंस, बस ये हवा का प्रेशर डिफरेंस है, प्लेन को ले उड़ता है। अब देखो होगा क्या, प्लेन की स्पीड है अभी 300, प्लेन की हाइट ना ग्राउंड से बहुत कम होगी क्योंकि प्रेशर डिफरेंस बहुत छोटा है, प्लेन ने अपने इंजन की स्पीड बढ़ा दी, तेज आगे भागने की स्पीड बढ़ाई, वेलोसिटी बढ़ गई, देखो ये डिफरेंस देखो ना, वेलोसिटी बहुत बढ़ गई, प्रेशर घट गया, प्लेन ऊपर उड़ गया, प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो गया, 450 पे और उड़ गया, 500 पे और उड़ गया, 600 पे और उड़ गया, 800 पे और उड़ गया, 800 पे जाके ऑटो पायलट मोड पे लगा दिया कांस्टेंट स्पीड। अब क्या होगा, ना ऊपर जाएगा ना नीचे, ऐसा होता ही है, ऊपर जाए घंटों घंटों ऐसे एक ही हाइट पे रहता है, पता ही लगता प्लेन उड़ रहा है कि नहीं उड़ रहा, फिर उतरना होता है तो फिर स्पीड उसकी आगे जाने की कम, प्रेशर डिफरेंस कम 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 करते 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 सीधा लैंड हो जाता है। तो तुम बस प्रेशर डिफरेंस को मेंटेन करते रहो, तुम तो सिर्फ इंजन की स्पीड ही मेंटेन करते रहो, तुमने भागना कैसे है बस, बाकी तो हवा का प्रेशर अपने आप ही तुम्हें उड़ा देगा। ये है बर्नौलीज थ्योरम। तो जिन्होंने एरोडायनेमिक्स पे काम करना है,
जो एरोनॉटिकल में जाते हैं वो यही कुछ सीखते हैं। ठीक, तो ये बेसिक प्रिंसिपल है किसी भी चीज़ को प्रेशर डिफरेंस से चीज़ों को उठाने का। सिर्फ ये ही नहीं, सिर्फ इतना ही नहीं, सेंट की बॉटल, परफ्यूम की बॉटल, कोलिन की बॉटल बर्नौलीज के ऊपर बेस्ड है। तुम क्या करते हो, तुम स्प्रे करते हो किसी चीज़ को, एक दो बार तो निकलता भी नहीं है, तो क्या होता है वो प्रेशर डेवलप करता है। देखो कैसे, कोई बटन, कोई मशीन थोड़ी ना लगी हुई है। तुम इस बल्ब को दबाते हो, यहाँ से बहुत तेज़ी से हवा जाती है, और यहाँ की नीचे की वेलोसिटी पानी की क्या है, ज़ीरो, या एयर की वेलोसिटी भी ज़ीरो ही है। तब हुआ क्या, वेलोसिटी बढ़ गई तो प्रेशर एनर्जी घट गई, वेलोसिटी ज़ीरो है या बहुत कम है तो प्रेशर यहाँ पर बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया। तो वेलोसिटी चेंज करते ही, वेलोसिटी तुम बहुत तेज़ तेज़ मूव करवाते हो तो हवा जब बहुत तेज़ जाएगी, वेलोसिटी बढ़ेगी तो प्रेशर घटेगा, यहाँ प्रेशर डिफरेंस डेवलप हो जाएगा, पानी ऊपर चढ़ जाएगा और आपकी एयर के फ्लो से वो कुछ छींटे बाहर आने स्टार्ट हो जाएंगे। अगेन द प्रिंसिपल ऑफ बर्नौलीज थ्योरम। सिर्फ यही नहीं, सिर्फ यही नहीं, क्रिकेटर आपने देखे होंगे बॉल को कैसे घुमाते हैं बड़ी चालाकी से बैट्समैन को धोखा देने के लिए। वो हवा में बॉल को सीधा भी मार सकते हैं, फिर बॉल कहाँ उड़ती जाती है, वो जानबूझ के चकमा देते हैं, बॉल को इस तरीके से स्विंग करवाते हैं कि बॉल सीधा जाने की बजाय थोड़ा सा ऐसे गोल मुड़ जाती है और बैट्समैन को नहीं पता लगता और वो सीधा विकेट पे लगती है, जबकि लग रहा होता है कि इधर जाएगी पर विकेट पे लग जाती है, तो स्विंग हो जाती है बॉल। बर्नौलीज थ्योरम है कैसे, ये देखो, ये मान लो आपके पास बॉल घूम घूम के आ रही है, ये मतलब कि इसका एक्सिस है, सर्कमफ्रेंस है बॉल का, मान लो आपकी तरफ आ रहा है, एयर की स्ट्रीम लाइन्स मेरी तरफ आ रही हैं, बॉल का ये वाला हिस्सा ऐसे घूम रहा है आपकी तरफ घूम रहा है पर एयर मेरी तरफ आ रही है, तो इनमें वेलोसिटी ऑपोजिट है तो यहाँ की स्पीड स्लो हो जाएगी। लेकिन ये वाला हिस्सा साथ के साथ इधर आ रहा है, एयर भी इधर आ रही है, तो ये वाले हिस्से की वेलोसिटी बढ़ जाएगी, एक की घटेगी एक की बढ़ेगी, जिसकी वेलोसिटी घटेगी उसका प्रेशर बढ़ जाएगा, जिसकी वेलोसिटी बढ़ेगी उसका प्रेशर घट जाएगा, तो बॉल सीधा जाने की बजाय मुड़ जाएगी। तुम डिस्क फेंक के देख लो हवा में, वो भी कहाँ सीधा जाती है, क्योंकि डिस्क भी तो गोल घूम के जा रही है और जो चीज़ गोल घूम के जाएगी वहां प्रेशर का डिफरेंस मेंटेन होना ही होना है। ठीक है, सिर्फ यही नहीं, जब किसी समुंदर के किनारे ज़्यादा होते हैं, आपने देखा होगा स्पेशली बाहर के कंट्रीज में बहुत ज़्यादा होता है, यहाँ कोस्टल एरिया में बहुत होता है, छतें उड़ जाती हैं घरों की, और यहाँ पर भी अगर टीन की छतें हैं वो तो पहले उड़ी जाती हैं, अगर कच्ची छतें हैं और पक्की नहीं है तो उड़ जाएगी वो जब हवा चलेगी बहुत तेज़। क्यों, और स्पेशली तब जब आपने दरवाजे और खिड़कियाँ लगा रखी हैं, फिर तो गारंटेड उड़ेगी। बंदा सोचता है मैं हवा को रोक बंद कर लूँ, बंद नहीं करना चाहिए, उल्टा खोल लेना चाहिए। देखो कैसे, बेसिकली क्या है कि मान लो ये एयर आई, एयर की स्ट्रीम लाइन और स्पेशली इन टाइप के घरों की तो पहले उड़ेगी, क्योंकि शेप देखो ना, एरोडायनेमिक शेप लगा के बैठे हैं, स्ट्रीम लाइन शेप है। तो देखो क्या है, यहाँ पे एरिया इन्होंने कम कर दिया तो वेलोसिटी यहाँ पे बढ़ गई तो प्रेशर यहाँ पे घट गया। यहाँ तो बंद करे बैठे हैं, वेलोसिटी बिल्कुल ज़ीरो, प्रेशर एनर्जी बहुत ज़्यादा, तो सोचो यहाँ कितना ही प्रेशर डेवलप कर दिया कमरा बंद करके, हवा चलानी बंद कर दी और यहाँ प्रेशर बहुत घट गया तो ये छत उड़ जाएगी। तो प्रेशर डिफरेंस मेंटेन हो जाएगा क्योंकि जहाँ वेलोसिटी तेज निकल गई वहाँ का प्रेशर घटेगा घटेगा। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक। इवन ये भी बोलते हैं ट्रेन के बहुत नज़दीक नहीं खड़ना चाहिए जब ट्रेन बहुत स्पीड से जा रही है। अब बहुत स्पीड से जाने से क्या होगा, प्रेशर घट जाएगा और तुम जहाँ खड़े हो वहाँ प्रेशर ज़्यादा है। फिर मत कहना किसने बताया नहीं था कि ऐसा क्यों होता है। ठीक, तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक। ये बहुत डेंजरस है, बहुत हाई स्पीड जब प्लेन्स उड़ते हैं हवा में, बहुत नज़दीक आ जाते हैं, उनका अपने आप एक्सीडेंट हो जाता है। क्यों, बहुत स्पीड में चल रहे हैं, प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, एक्सीडेंट हो सकता है। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक। तो ये कॉन्सेप्ट है बर्नौलीज थ्योरम का।